हेलो फ्रेंड्स, एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि एक डेसिमल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक डेसिमल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, वो आज मैं आपको समझाता हूँ। तो उसके लिए पहले हम एक नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा नंबर है 0.00000008 37। एंड अब हम स्टेप वाइज जानेंगे समझेंगे। स्टेप वन, काउंट नंबर ऑफ जीरोस एंड ऐड वन। कितने जीरोस हैं वो मैं काउंट करना है, तो हमारे पास हैं टोटल 8 जीरोस एंड ऐड वन। वन उसके अंदर ऐड कर दिया, मतलब 8 जीरोस प्लस 1 इज इक्वल टू 9। ओके, देन पुट डेसिमल आफ्टर द सेकेंड नंबर आफ्टर जीरोस एंड राइट नंबर ऑफ जीरोस इन फ्रैक्शन फॉर्म विद वन। सबसे पहले हमें क्या करना है, जीरोस के बाद में जो नंबर है उसके अगले बाद में डेसिमल पुट करना है। हमारा नंबर 9 है, तो 9 के 9 जीरोस लगा देना है एंड उसके आगे 1 लिख देना है। तो ये और इसको पूरे को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है अभी हमें। देन कन्वर्ट डिनोमिनेटर टू एक्सपोनेंट। अब जो डिनोमिनेटर है हमारा ये 1000 करके, इसको हम जो है एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे, इसको पावर दे देंगे। तो हम पावर देंगे तो हमारा जो है आंसर हो जाएगा 8.37 अपॉन 10 रेस टू द पावर 9। 10 की पावर 9 हो गई। अब हमारा फोर्थ स्टेप है टेक डिनोमिनेटर टू मल्टीप्लीकेशन, मतलब हम 10 रेस टू द पावर 9 को ऊपर लेकर जाएंगे, जिसका मतलब हो जाएगा 8.37 इंटू 10 की पावर माइनस 9 हो जाएगी, क्योंकि नीचे से ऊपर गया तो पावर जो है वो माइनस हो जाती है। जैसे हम पावर को ऊपर नीचे करेंगे डिनोमिनेटर से न्यूमिरेटर या फिर न्यूमिरेटर से डिनोमिनेटर, तो जो है पावर चेंज हो जाएगी। अगर वो पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव। एंड हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 8.37 इंटू 10 रेस टू द पावर 9। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। एंड अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मुझे भी समझ आ जाए कि आपको सब कुछ समझ आ गया है। एंड और भी कुछ समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर ये सब कुछ समझ आ गया हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में।